नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बाजी पलट गई है। ध्यान से सुनिएगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये आज का सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ा फैसला भी, चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए या चुनाव में धांधली को देखते हुए ये सबसे बड़ा फैसला है इंडिया में, ऐसा लग रहा है। हालांकि आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हुआ है, और वहां तो जो रावलपिंडी के एक चुनावी अधिकारी थे उन्होंने सरेआम मान लिया है, और उन्होंने कहा कि जो लोग हार रहे थे उनको उन्होंने जितवा दिया, और उन्होंने ये मानते हुए कहा कि उनको चौक में खड़ा करके मौत की सजा दी जाए। ये पाकिस्तान में एक अधिकारी ने मान लिया कि उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। और हमारे यहां पर क्या हुआ था, चंडीगढ़ का जब मेयर चुनाव की काउंटिंग चल रही थी तो क्या कुछ हुआ था, सरेआम क्या कुछ हो रहा था, 8 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बाजी पलट गई, यानी कि जिसको चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में मेयर पद के उम्मीदवार, यानी आप पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हरा दिया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट में वो जीत गए, उनको जितवा दिया। ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम सुनवाई थी, और रिटर्निंग ऑफिसर जो अनिल मसीह थे वो भी पेश हुए, और आपको पता है कि वो बैलेट पेपर भी मंगवाए गए थे। सुनवाई के दौरान जज साहब ने कहा कि मिस्टर मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे कि सही से जवाब दीजिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। तो फिर जज साहब ने पूछा कि आप जो अपने साइन के अलावा जो टिक मार्क लगा रहे थे या क्रॉस लगा रहे थे वो क्यों लगा रहे थे, क्या कोई रूल है ऐसा, क्या किसी रूल में लिखा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अनिल मसीह ने बड़ी कोशिश की सफाई देने की, लेकिन बात नहीं बनी, और वो ये मान गए कि 8 बैलेट पेपर पर उन्होंने गलत तरीके से टिक किया था, यानी वो बात मान गए। तो उसके बाद क्या हुआ, उन 8 वोटों को जो इनवैलिड दे दिए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से वैलिड मान लिया गया। तो जब वो 8 वोट वैलिड हो गए तो इसका मतलब क्या था, आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार जीत गए। हां, पहले लग रहा था कि काउंटिंग दोबारा हो सकती है, और उसके लिए बीजेपी ने तैयारी भी कर ली थी। आपने एक दो दिन पहले देखा और सुना भी होगा कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी में मिला लिया गया था, है ना, कि अगर काउंटिंग दोबारा होती तो फिर ऐसा कुछ हो सकता था कि शायद फिर बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार जीत जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बाजी पलट गई। आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार जो थे कुलदीप कुमार, उन्होंने ही याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी याचिका स्वीकार की, उस पर अहम सुनवाई हुई, और फिर मामला क्या कुछ हुआ वो आपने देखा और सुना। सो तभी हम कह रहे हैं कि ये बड़ी अहम सुनवाई थी, ये बड़ा फैसला है हमारे देश में कि चुनाव में अगर कोई धांधली होती है, कोई धांधली करता है, तो फिर क्या होना चाहिए। हाँ, यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल और बनता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे क्या उन्होंने खुद ये सब किया या किसी के कहने पर किया, और किसी के कहने पर किया तो किसके कहने पर किया, ये सवाल अभी पेंडिंग है। सो दोस्तों, क्या कुछ कहना है आपका जरूर बताइएगा इस मसले के नीचे कमेंट करके, कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बड़ा अहम फैसला आया है, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग राय दे पाएंगे, और ये बड़ा मसला है। और अगर ये आपको मसला ठीक लगा तो आप इस चैनल को लाइव फॉलो कीजिए, ताकि अगली जो हमारा मसला अपडेट होगा, वीडियो होगी, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।